रुद्र ये साफ नहीं किया भाई साहब इसने, देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। मैं गाड़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना व्लॉग, क्योंकि थोड़ा सा आज पॉश पॉश में भागने भूगने में लग गया टाइम ज़्यादा। सुबह उठा 8 बजे के आसपास, नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा था, याद है आज मंडे है तो मतलब पूजा भी करनी होती है मुझे आज मंडे को, हमेशा मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, तो उस चक्कर में अब बज गए हैं 9:30 और मुझे 10:30 ऑफिस में होना था, एंड विच इज हाईली अनलाइकली नाउ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज रुद्रा के लिए, आज इसका 20,000 की सर्विसिंग ड्यू है, तो वो बंदा भी आएगा गाड़ी लेने के लिए, तो ज़रा फटाफट भगाएं। और वो मुझे देखना भी है कितना खर्चा आने वाला है, लास्ट टाइम 4,500-5,000 रुपये आया था, जितना अगर मेरे पुराने ब्लॉग में देखा हो आपने तो लगभग 5,000 के आसपास आया था, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मे भी इंक्रीज होकर आया है, क्योंकि यूजली ऐसा होता है कि थर्ड सर्विस में हमेशा ज़्यादा ही आता है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए सब रेंज देख लो, 59 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 59 तो बस धोखा है, पेट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। कल भरवाना था लेकिन इतना ट्रैफिक था मैं लेफ्ट टर्न नहीं ले पाया। ये बस वाले होते हैं ना भाई ड्राइवर, कसम से इनसे पंगे ले सकते, थोड़ा सा भी ऐसे घुसाया जा रहा है, उसे पता है कि मैं ब्रेक मारूंगा मारूंगा, इनका तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, टच होगी तो अपनी गाड़ी का तो बंटाधार हो जाएगा, ये तो निकल लेते हैं अपनी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी है इनके पीछे भागते रहो फिर, तो इसलिए मैंने पंगे लिए नहीं। और फिर इसलिए मेरा थोड़ा सा रह गया ये पेट्रोल भरवाना कल, बट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आज तो पक्का ही लेट होना है। ओ भाई मेरे आज ही तुम आना है, ये हर मंडे मुझे मिलती हैं भसिया, इनमें सबसे कम दिमाग होता है मैंने सुना है। अभी से बढ़ने लग गया भाई नया हाईवे, क्या होगा आगे जाके, सब पहला सेक्शन बन जाए तो सारे इस तरफ से आ रहे हैं। ये कहा भाई ब्रेक मार रहा बीच में, लड़ाई हो रही है, अरे गाय माता बीच में खड़ी है बिल्कुल एक नंबर। कुछ नहीं, आओ जाओ टकराओ कुछ भी कर लो, माता रानी वहीं खड़ी है हमारी। आज जब मुझे भागना है ना भाई 50 रह गया, ये दिख रहा है आपको 50 की मैं टेंशन ले रहा हूँ, लेकिन 50 ये बिल्कुल भी नहीं है, ये देता कमी है। जैसे जब हमने पेट्रोल भराया था तो 476 की दिखा रहा था ये रेंज, और देखिए ऑलमोस्ट 350 रुपये खत्म हो रहा है, इसलिए फटी हुई मेरी। और कितनी धार है भाई सुबह सुबह, सब ऑफिस जा रहे हैं आजकल, क्या बात है। सो आई एम नॉट द ओनली वन, रुक जाओ चाचा रुक जाओ। हाँ हम लोग ये गाड़ी लेने वाले थे एस्टर MG की, हम दोनों ने बहुत प्लान किया था उसको लेने का, लेकिन पता नहीं फिर जब हमने चिट निकाली उसमें स्कॉर्पियो जीती पहले तो, और उसके बाद थार, तो हमने फिर फाइनली थार ही ली 41। और मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, एक चीज़ की तसल्ली है कि भाई साहब मतलब अभी तो पहुँचा नहीं, लेकिन स्टिल जब तक हो ना जाए ना काम तब तक मुझे तसल्ली मिलती नहीं है। तो ये लेट होने का सिस्टम खासा मंडे है ना, मंडे जो ऐसा होता है ना बिल्कुल ही, मतलब रात को लेटा था मैं राउंड अबाउट 11:30-12 बजे सोने के लिए, बट 3:30 बजे सोया हूँ, मतलब क्या किया जाए चीज़ का, कोई इलाज है किसी के पास। और ये देखिए आ गया हमारा इंजन ऑयल भाई साहब, इनकी लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, ये देखो इनको धक्का मार जा रहा है, और हम बच गए आज के लिए। शगुन का 2100 भरवाएंगे, पेट्रोल डाले ना भाई साहब ने हाथ 2100 21 लीटर, अब बात है। फाइनली पेट्रोल भर गया, बेसी चल गया फुल ऑन, थोड़ी सी जान में जान आई। मैंने 2100 का मैंने फुल टैंक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभी सर्विसिंग के लिए जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होता है उसमें भी, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और जो मैं जिस ग्रुप का पार्ट हूँ थार ग्रुप का, वहाँ भी यही एक्सपीरियंस है मेरा, कि मतलब जो लोग ना फीडबैक देते हैं कि यार गाड़ी चल जाती है इनकी 100-100 किलोमीटर चलाती है इनकी गाड़ी, तो इसे मैंने 2100 का भरवाया, देन विल सी कितना चलेगी और कितना नहीं, विल टेक द काउंट ऑफ द किलोमीटर्स एज वेल। 2100 का भरवाया है, रेंज दिखा रहा है 42-43, जिसमें से 40 हमने पिछली बार के होंगे, तो 200 की रेंज दिखा रहा है, बिल्कुल मतलब 10 के एवरेज पे दिखाता है रेंज, लेकिन देता ही है 8-8.5 के आसपास ही है सिटी में, और हाईवे पे राउंड अबाउट 10-11 के बीच में, यही है ऑटोमेटिक पेट्रोल का, और डीजल 1-2 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो
किसी किसी का तो भाई 20-20 का दिखाता है, मतलब आई डोंट नो होता है कि नहीं, बट दिखाता जरूर है। सो भाई भैया आ गए हैं गाड़ी ले जाने के लिए, बिल्कुल वेट कर रहे थे मेरा, तो इसमें चलिए मैंने एक्चुअली काउंट लिया था कितनी चली हुई है, 20,150। बाकी अपना सामान वामान उठा लेते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं। गई भैया गाड़ी अपनी और अपन चले ऑफिस, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। सो भाई अपनी शिफ्ट हो गई ओवर और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। आज यार जिमनी के ऑफिस में भाई आज गाड़ी की सर्विसिंग करा के आई, जिम क्यों नहीं किया बताऊँगा बाद में, लेकिन गाड़ी सर्विसिंग कराई मैंने आज फ्रॉम माई रेगुलर DM महिंद्रा सेक्टर 61 वाला। मतलब सर्विस तो चलो मैंने गाड़ी दे दी तो मैं कांट सी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बट आई थोड़ा बहुत ट्रस्ट पे चलता है काम। लेकिन भाई साहब जो बंदा उसे पिक करने आया था गाड़ी को और वही बंदा ड्रॉप करने आया, इतना मतलब ऐसे यार किसी को नहीं बोलते, लेकिन इतना ज़्यादा इतना गंदा स्टिंक कर रहा था कि पूरी गाड़ी में अभी तक स्मेल आ रही। मैंने गाड़ी खोल के रख दी, इसी चला दिया 10-15 मिनट इसी चला के बैठा हुआ हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं। मैंने पूरी गाड़ी में भी मेरे ड्रॉअर में DO पड़ा हुआ था, एक एक्सपायर्ड ही DO पड़ा हुआ था, उसको पूरा गाड़ी में मारा है, उसके बाद भी देखो स्मेल आई जा रही है। अभी ज़रा विंडो नीचे करके चलाऊँगा थोड़ा सा तो मे बी, बट बहुत गंदी स्मेल यार होता है ना, वो जो बंदा कोई बैक टू बैक एक ही टी शर्ट पहनता है, स्वेटिंग तो होती है उनके काम में। देखो मैं उसको ऐसे नहीं बोल रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग कि बंदे में स्मेल आ रही, लेकिन वो जो टी शर्ट महिंद्रा वाली पहनी हुई है तो बैक टू बैक बिना धोए मे बी वाली स्टिंकिंग कर रही है, इतनी गंदी बदबू। गाड़ी में बैठना मतलब गाड़ी को लेक्स ने ड्रॉप की, चाबी दिया कि सर देख लो, मैं गाड़ी पार्किंग नहीं पार्क में लगा नहीं पाया, मैं 10 मिनट खड़ा रखा AC ऑन करके, उसके बाद ही स्मेल ली गई, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैंने कंप्लेंट डाल दी थी, कंप्लेंट किया मतलब फीडबैक दे दिया था, तो आई होप बंदे को फीडबैक मिल गया होगा। भाई बॉडी टेस्ट कराया था मैंने, बताया था ना बॉडी टेस्ट कराया मैंने 2 दिन पहले, तो उसका रिजल्ट आ गया था, सब कुछ ठीक है, शुगर वुगर सब ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भाई साहब बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल पे मैं 200, बहुत दुख हुआ, 206 है मेरा, मतलब 200 इज़ द बॉर्डर लाइन, तो मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ उससे, तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। मेजरली ऑयल है उसको देखना पड़ेगा, तो कुछ अब ड्राफ्टिंग मेजर लेने पड़ेंगे भाई अपने लिए, वरना वार्ड लग जाएगी कसम से। जरा एक बार पहुँचूँ कल्पना को पिक करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्या चल रहा है ये अभी रिपोर्ट आई मेरी बहुत अच्छी, तो तुम मतलब शुगर इज नॉट देयर एट ऑल, तो तुम इससे शुगर खा रहे हो, मतलब थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ आशीष, ये टेस्ट करना है क्या? लुक एट दिस मैन, ये टेस्ट करने वाला गुलकंद चेरी और पता है आइसक्रीम और कुल्फी और फलूदा, क्या नहीं है इसमें यार, इसमें स्वाद है, भयंकर स्वाद है यार, तो बहुत स्वादिष्ट है, यू वांट टू ट्राई? नहीं पक्का? या अभी गेम खेलेंगे ना जाके, बैडमिंटन खेलेंगे तब ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, अपने टाइम में तुम्हें कुछ नहीं आता था, जब मैं एक कुछ खा लेती हूँ ना तो तुम्हारी शुगर एकदम हेवन। पैक करना है, मम्मी ने उस दिन भी नहीं खाया, नहीं खाया था अच्छा, हाँ ठंडा है, उनके वैसे भी ठंडा है और खांसी हो रखी है, छोड़ देते पैक करते हैं, देख लेंगे मैं खा लूंगा नहीं हुआ तो, सीधा घर चलो चल। बेचारा अपना वो ऐस बेचारा है, उसके पीछे लगे ही जा रहा पानी, कॉमेडी सीन, भाई का पिछोड़ा पूरा गीला हो गया, वो देखो बहुत परेशान किया, ओह शिट सीरियसली यार ये तो कुछ साथ ही गंदा हो गया है, देखो नंबर प्लेट कैसे आ रहे थे पानी ऊपर, उसने मडगार्ड हटा रखा है ना पीछे वाला स्टाइल मारने के लिए, तो बेचारा ये पीछे वाले की तो लग गए लगता, कोई बात नहीं स्टाइल जहाँ होती है ना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो देखो वो शिट और ज्यादा आ रहा है, सोसाइटी के अंदर भी तैराकी करके जाना चाहिए, अगर ये गिरी तो बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा मुझे, अरे यार सो सॉरी बेबी, अक्ल नहीं है ये अक्ल दाड़ है, तो इसको निकाल दूंगी तो अक्ल तुम्हारी वहीं की वहीं रहेगी जैसे तुम्हारी है भी, जानो दिल जय बजरंग बली, उल बच्चा छुप गली का, ये फिर आ गया, ये सुबह तो भगाया है मैंने, मेरी जाते नहीं है, ला झाड़ू ला अभी अटैक कर दे इस पे, तू जीप से खा ले, नहीं जीप से नहीं, ऐसे करते हैं ना,
करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लोग बेटे थम्स अप, चैनल में सब्सक्राइब करो, पुराने को शेयर करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।